एक दिन आसमां छू लेगी मेरी दुआ, इल्तिजा हो कोई सुनता है मेरा खुदा, टुकड़ा टुकड़ा दिल हो रहा है तो क्या। मेरी इतनी का मजाल कि मैं आपसे खफा हूं, ये इख्तियार तो सिर्फ आपके पास है। मेरी तरफ देखो, क्या साबित करना चाह रही हो तुम? यही कि आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी ताकि तुम जमशेद से शादी कर सकती। I'm sorry, मुझे नहीं करनी चाहिए थी ये बात। सॉरी। मैं कल घर चली जाऊंगी। क्या मतलब? मुझे यहाँ नहीं रहना। सर, I'm sorry। आप सॉरी मत कहें, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे इस घर में नहीं रहना। आपका जब दिल चाहता है आप मुझे जमशेद के नाम का ताना दे देते हैं, जबकि मैंने आपको हर तरह से यकीन दिलाया कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। I'm extremely sorry, मैं नहीं कहना चाह रहा था। और आयजल भी हमारी शादी से खुश नहीं है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। क्या कर रही है? आयजल ने जानबूझकर आपसे पैसे लिए थे और बानो को दिए थे और आपको बताया ताकि आप मुझ पर गुस्सा करें और मुझे घर से निकाल दें। उसने जानबूझ के किया ये सब कुछ। वो ऐसा कुछ नहीं चाहती। तुम जानती हो वो जब भी तुम्हारे बारे में बात करती है अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करती है, छोटी मामा कहती है तुम्हें। तुम उसके खिलाफ सब ये कह रही हो। बेहतर होगा कि मुझे आयजल के खिलाफ करने की कोशिश मत करो। मैं उसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। क्योंकि वो आपकी बेटी है और मैं ठहरी एक ड्राइवर की बेटी, इसलिए आपको उसका कहा सच और मेरा कहा झूठ लगता है ना? उसने मुझे खुद कहा था कि वो मुझे इस घर में नहीं रहने देगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे खुद छोड़ दें। नहीं इरशाद, मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम बीवी हो मेरी। ठीक है, मैं शमसा और आयजल जितनी मोहब्बत नहीं कर सकता तुमसे, लेकिन बहुत इज्जत करता हूं तुम्हारी। इस घर में रहने वाली किसी भी औरत से कम नहीं, बराबर की इज्जत करता हूं।